हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मिशन मजनू ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। मिशन मजनू का ट्रेलर जो कि नेटफ्लिक्स के द्वारा रिलीज कर दिया गया है, तो हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा इसमें नज़र आ रहे हैं लीड रोल में, और इसके साथ साथ रश्मिका मंदाना भी नज़र आएगी। तो ये मूवी रिलीज हो रही है 20th of January को। तो आइए सबसे पहले तो ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। और यहाँ गोली बारूद नहीं, यहाँ इंटेलिजेंस की जरूरत है। एक ऐसा आदमी जो बिना किसी का ध्यान खींचे ये काम कर जाए। पूरे पाकिस्तान में मुझसे बेहतर दर्जी नहीं मिलेगा आपको। रोक रोक रोक, क्या काम है? प्लंबर। आई हैव जस्ट द राइट मैन फॉर द जॉब। जासूस मुंशी ने। गिव हिम द मिशन, इंडिया इज काउंटिंग ऑन हिम। आदाब। मुझको हक है कि नजर भर के मैं तुम्हें देखूंगा। आखिर को मेरी जान, मैं शौहर हूं तुम्हारा। बाबा सस्ते गालिब साहब। सुन बे ओ मजनू, वो कवर है, असली बीवी नहीं है तेरी। कैसा? तुझे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी ढूंढनी है। इस ऑपरेशन का नाम होगा मिशन मजनू। हम भी बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं जनाब? या रावलपिंडी में। पाकिस्तान के साइंटिस्ट बाहरी मुल्क से आए हैं, इंशाल्लाह जल्दी अच्छी खबर मिलेगी। मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है ये किस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सर अब्दुल कदीर वो साइंटिस्ट हो सकता है जो विदेश से आया, हमें उसे ट्रैक करना चाहिए। इंडिया सोच भी नहीं सकता कि हम उनके नाक तले बॉम्ब बना रहे हैं। अंबर तले जग रहे हैं। आप भाग क्यों आए हैं हमसे? क्या खाए जा रहा है आपको अंदर से? तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं। मैं फैसिलिटी के अंदर जाऊंगा। सुसाइड मिशन है ये पाजी। जहां सरेआम रॉ एजेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और हम अपना हाथ में लेकर बैठे हैं। विंडो और मारो। माटी को माँ कहते हैं, हम माटी को माँ कहते हैं। अमनदीप अजीत पाल सिंह साइनिंग ऑफ। भारत माता की जय। तो फ्रेंड्स, ट्रेलर तो आपने मेरे साथ देख ही लिया होगा। तो लास्ट मूवी में हमने सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखा था स्पाई थ्रिलर में, जैसे कि वो शेरशाह थी। स्पाई थ्रिलर तो नहीं थी वो, मतलब देशभक्त की मूवी थी। तो ये तो एक स्पाई थ्रिलर स्टोरी लग रही है, जैसा कि हमने देखा अभी ट्रेलर में। तो ये तो मुझे राजी जैसी स्टोरी लग रही है। राजी में भी ऐसे ही आलिया भट्ट ने एक स्पाई थ्रिलर का रोल किया था, तो वैसे ही सेम टू सेम स्टोरी लग रही है। कुछ यूनिक तो नहीं लग रहा। बाकी अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग की तो सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत अच्छी कर ही लेते हैं। एक्टिंग हमने देखी है उनकी शेरशाह में भी, और वैसी ही एक्टिंग हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रही है उनकी। बाकी तो मूवी रिलीज़ होगी तभी हम कह पाएंगे कि मूवी कैसी थी। अभी तो ट्रेलर से ठीक ठाक सा ही लग रहा है कि ठीक है, अभी इतना कुछ खास भी स्पेशल नहीं जिसका हम वेट कर रहे थे कि शायद हमें कुछ यूनिक देखने को मिले इस ट्रेलर के द्वारा। तो बाकी 20th of January को हमें पता लग ही जाएगा कि मूवी कैसी है। तो फ्रेंड्स, आगे की अपडेट्स के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।